हेलो दोस्तों एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ज्योग्राफी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का पेपर, जिसका नाम है अर्बन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में आपको पहले तो डिफाइन करना है कि अर्बन ज्योग्राफी है क्या, उसका क्या नेचर है और उसके क्या स्कोप हैं। यानी नगरीय भूगोल को तो पहले आप परिभाषित कीजिए, उसके बाद नगरीय भूगोल की आप प्रकृति बताइए और उसके अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, वो है डिस्क्राइब द प्री इंडस्ट्रियल सिटीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। जो पूर्व औद्योगिक काल के जो नगर हैं, आप उनकी विशेषताओं का आपको वर्णन करने को यहाँ पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर टू है डिस्क्राइब द स्पेशियो टेम्पोरल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों में नगरीकरण के स्थानिक कालिक प्रारूपों का विवरण दीजिए। ये दोस्तों कभी कभी यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन डेवलप्ड की जगह डेवलपिंग कंट्रीज के कंटेक्स्ट में पूछ लिया जाता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाना। और में आया हुआ है डिस्कस द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन सिंस 1950 ऑनवर्ड्स। 1950 के पश्चात हुए नगरीकरण की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों एकदम आते ही आते हैं, थोड़ा सा भी थोड़ा सा टर्न कर दिया आता है, क्वेश्चन को घुमा दिया आता है, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन हर साल आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, डिस्कस फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज गिवन बाय अशोक मित्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अशोक मित्रा द्वारा दिए गए नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा में आया हुआ है डिस्क्राइब द वेरियस क्राइटेरिया यूज्ड बाय ओरोसो हैरिस एंड नेल्सन फॉर फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड सिटीज। ओरोसो हैरिस और नेल्सन द्वारा जो विश्व के नगरों की कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए उपयुक्त जो आधार है दोस्तों, आपको उसका वर्णन करना है। फ्रेंड्स आई थिंक आप और भी प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे होंगे, तो वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर। तो प्लेलिस्ट को चेक करें एंड कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, सो आप वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर है क्रिटिकली आपको एनालाइज करने के लिए कहा गया है द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग इन इंडियन सिटीज़। भारतीय नगरों में आवास की जो समस्या है दोस्तों, आपको ना उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यही क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी हाउसिंग की जगह स्लम्स भी लिख के आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड फ्रेंड हमारे लिए कोई भी सजेशन हो या फिर आप किसी और भी सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और में आया हुआ है गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड विद अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। भारत में नगरीय यातायात से संबंधित समस्या एवं नीतियों का विस्तारित वर्णन कीजिए। तो ये तो हमें पता ही है दोस्तों, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम स्पेशली दिल्ली के कंटेक्स्ट में भी पूछ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स आप जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कम से कम 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का। तो आप सोच रहे होगे कि ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, 4-5 साल पहले के क्वेश्चन पेपर सीनियर से तो मे भी 1 साल के मिल जाते हैं, बट बाकी आप कहाँ से लाओगे। तो दोस्तों वो सब आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन मुंबई। देखिए दोस्तों मैं बोल ही रही थी यहाँ आ ही गया, लेकिन यहाँ पे स्लम्स जो है वो मुंबई के कंटेक्स्ट में पूछा है। मुंबई में मलिन बस्तियों की समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। और मैं आया हुआ है डिस्कस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सप्लाई इन चेन्नई। और आपसे चेन्नई में जो जलापूर्ति से संबंधित जो मुद्दे हैं, है ना, जो भी समस्याएं हैं पानी के सप्लाई से रिलेटेड चेन्नई में, वो पूछा गया है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।